तो फिर इकबाल में इसके साथ पढ़ता था लाइक भाई जरूर कीजिए मेरे बड़े भाई को। तो सो गाइज अभी हम तारक ब्रिज के पास पहुंचे। सो हेलो गाइज वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज आप सब कैसे हो, आई होप करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फाइनली जस्ट मैं अभी उठा हूँ, फ्रेश होता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। तो सो गाइज अभी ब्रेकफास्ट कर ली, फ्रेश हो गया हूँ, तो उसके बाद अभी ताऊ के लड़के ने कॉल की थी कहीं जाना है, तो अभी डिसाइड उसने किया हुआ, मैंने तो कुछ अभी किया नहीं है, तो अब वही बताएगा कहाँ जाना है, तो बताते हैं हम आपको। अभी जा रहा हूँ मैं उसके पास, पार खड़ा है वो, अभी कॉल कर रहा था। पहुंच चुके हैं, ये आगे खड़ा है। तो सो गाइस अभी पहुंचे हैं, तो ये मेरे ताऊ का लड़का धीरज भार्गव। हेलो कर दो। अभी हम आए थे इधर फैक्ट्री है केक की, तो इधर मेरा फ्रेंड भी लगा हुआ है, तो उससे मिलते हैं, तो देखते हैं आज क्या सेवा करते हैं ये। जबर भाई क्या हाल चाल? बढ़िया भाई बढ़िया। और क्या कर रहे? तो ये है मेरे बचपन का फ्रेंड, तो इंट्रोडक्शन दे दो अपनी। हेलो गाइस, आई एम जफर, जफर इकबाल, मैं इसके साथ पढ़ता था 8th class तक। उसके बाद भाई ये चला गया दूसरे स्कूल में चला गया, मैं दूसरे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग में दोस्तों मैं आया हूँ आप लोग सौरभ भाई के पास केक लेने के लिए। तो दोस्तों यार, और सौरभ भाई कैसे हो, केक मिल जाएगा? ये तो मेरा चैनल है। अरे यार भाई, यार ये तो मेरा केक लेने के लिए आया भाई। ओहो क्या हाल है भाई, यार ये तो सुनो, और ये हमारे मिस्त्री केक बनाने वाले। हेलो, रहते हैं तो इधर शॉप पे काम करते हैं, तो इनसे ही मिलते हैं, फिर चलते हैं आगे तो बताते हैं। और भाई क्या हाल चाल? और ठीक है सब?
तो सो गाइस ये हैं, ये हमारे घर के पास रहते हैं, तो इनका नाम है अदरीस। नाम दे दो। मेरा नाम अदरीस है, ये सौरभ मेरे बड़े भी हैं, घर के पास रहते हैं। तो सो गाइस दो पेस्ट्री का ऑर्डर किया था, नीचे भी खा के हैं तो भूख तो लगी हुई है, अभी बहुत ज़्यादा है, पेट में बहुत ज़्यादा जगह है, तो ऑर्डर किया, अब खाते हैं। तो उसके बाद हम बाकी कमेंट शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे बड़े भाई को। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाई को, बाकी जो देख रहे हैं प्लीज शेयर भी करें मेरे भाई को, लाइक कमेंट शेयर करें प्लीज भैया। आई एम गोना शो यू फ्यू पिक्स। अगले ब्लॉग में आपको बहुत मजा दूंगा, मैं करूंगा, अभी मेरे को कॉल आ गई है। ठीक है भाई, जा रहे हैं, तो अब हम चलते हैं दुर्गाधारी मंदिर, तो बताते हैं। सो गाइज अभी हम तारक ब्रिज के पास पहुंचे हैं, दुर्गाधारी मंदिर, रील्स वगैरह बनाएंगे उधर ही, तो उधर ही सब कुछ अब हम बताएंगे। और ये रजौरी का सबसे बड़ा मंदिर। सो गाइज मैं मंदिर का व्यू आपको बताता हूँ। सो गाइज ये जो मंदिर है ये थोड़ी सी हाइट में है, तो इधर से रजौरी का व्यू बहुत अच्छा दिखता है, तो थोड़ा सा मैं आपको वो बता देता हूँ। आधे बंदों को तो पता ही है कि रजौरी का व्यू इधर से कैसा दिखता है, तो जिनको नहीं पता मैं उनको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कहाँ रजौरी सिटी है और कहाँ मतलब पांजा है, कहाँ पे सैलानी, इधर से सब कुछ दिखता है, तो मैं आपको बता। तो सो गाइस ये रजौरी टाउन है, अगर हम बात करें तो बस स्टैंड वहाँ ऊपर है, वो सामने आपको दिख रहा होगा, इधर से दिखता तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, इधर बस स्टैंड है, तो वो सामने खियोरा हॉस्पिटल है, वो सामने वो दिख रहा है आपको। तो सो गाइस वो जवाहर नगर है, तो वो जो स्नो दिख रही है आपको वो सामने, वहाँ पे जाने का भी हमारा प्लान है, वो जल्द हम उधर जाएंगे तो हम आपको बताएंगे इस जगह का। तो ये पीड़ी रियान गांव का नाम है, तो ये जो स्नो दिख रही है आपको, कोशिश करेंगे हम जल्दी आपको मतलब यहाँ पे लेके चलें। तो
चुका हूँ, तो अभी छत पे आया था, मैंने सिर्फ व्लॉग एंड कर देता हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि ये व्लॉग आपको कैसे लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।